क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा उसको अच्छे से समझेंगे। चार पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सेट ए, सेट बी, सी और डी। चारों पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना और अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए पहला क्या है आपका, एक पदार्थ 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, तो वहां पदार्थ होगा C2H6 आ जाएगा। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण जो तत्व होते हैं ना वो आपकी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो चुंबकीय जो क्वांटम संख्या वो विन्यास से संबंधित है। सिग्मा बंध और पाई बंध से, जो सिग्मा बंध है वो पाई बंध से कैसा होता है, यानी सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होता है, पाई बंध थोड़ा कमजोर रहता है। आयनन विभव न्यूनतम है, अक्रिय गैस, ठीक है। आप बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वही चीजें आपकी 100% श्योर आएगी, लेकिन आपको है ना चार पेपर करने पड़ेंगे, ये सेट बी है, ये सेट सी और ये सेट डी। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप तो चारों पेपर, है ना, और आपके पास अभी टाइम भी है, कर सकते हो। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है, गया। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति तत्वों की आवर्तिता कहलाती है, क्या कहलाती है, आवर्तिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो रिक्त स्थान है वो है यहां से, देखिए, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, ठीक है, साम्य स्थिरांक का जो संबंध होता है वो होता है केपी इक्वल के ई आर टी और यहां पर ये एन। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, न्यूट्रॉनों, ठीक है। जल के अणु में एच और एच बंद कोण, एच और एच बंद कोण, ठीक है, यहां से देखिएगा 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और पीपी पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, पाई बंध बनता है। एसएस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, ध्यान रखिएगा, पाई पीपी से पाई और एसएस से आपका सिग्मा बंध बनता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी हो जाएगा उष्मा गति की फलन। H2O की संरचना सेतु संरचना, ठीक है, H2O की जो संरचना है वो आपकी कौन सी संरचना बनेगी यहां पर, ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहां पर। एंट्रोपी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंतरिक ऊर्जा, और H2O जल की संरचना जो है वो आ जाएगा आपका उष्मा गति की फलन। थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लेना सही तरीके से। यहां से देखिए बेंजीन अणु के प्रत्येक, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, तो sp2 संकरण पाया जाता है। किस एंथैल्पी का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका दहन की एंथैल्पी, और दहन की जो एंथैल्पी है वो सदैव ही ऋणात्मक होती है, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, व्यवस्था की माप, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का, एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक है,
एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक के साथ चूर्ण के साथ गर्म करेंगे ना तो आपका एथिलीन बनेगा। एथिलीन एक लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। सत्य है कैथोड किरणें धनावेशित कणों की प्रवाह करती है, ये आपका असत्य रहेगा। धातुओं में संयोजकता कोष केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। चौथे की बात करें तो ये आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा आपका सत्य रहेगा और एंट्रोपी एक ऊष्मागतिक फलन है तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए, इन सबका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक क्या है बच्चे सॉल्यूशन को लिख लेंगे तो बढ़िया से आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देख लीजिएगा आप, तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर है इम्पोर्टेंट वो पेपर आपको बता दिया है। सेट बी है वो भी करिएगा कंप्लीट, सेट सी भी करिएगा और सेट डी भी करिएगा। ये नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कर लीजिएगा, है ना।